मध्य प्रदेश में गेहूं एक बार फिर सस्ता हो गया है। गेहूं के दामों में पूरे 100 रुपए की कमी आई है। व्यापारियों के अनुसार यह रवा और मैदा के निर्यात पर रोक लगने का असर है। प्रदेश में इस वर्ष गेहूं का कारोबार काफी अलग अलग परिस्थितियों से गुजरा है। केंद्र सरकार की आयात निर्यात नीति ने गेहूं के भाव को लेकर अब अस्थिरता ला दी है। गेहूं के दाम गिरने से स्टॉकिस्टों में भी घबराहट का माहौल है। सीजन में तेजी के दौर में कारोबारियों ने लाखों क्विंटल गेहूं का स्टॉक किया था, जो कि अब ब्याज भाड़े से महंगा हो गया है। मंगलवार को केंद्र ने एक अधिसूचना जारी की, उसके अनुसार 14 अगस्त 2022 से रवा और मैदे के साथ गेहूं के अन्य उत्पाद के निर्यात पर भी प्रतिबंध लग चुका है। इससे पहले 12 जून से गेहूं के आटे के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया था। रवा और मैदा के निर्यात पर रोक का असर गेहूं की कीमतों पर साफ दिखाई दिया। गेहूं के भाव करीब 100 रुपए तक मध्य प्रदेश की मंडियों में फिसल चुके हैं। इस वर्ष गेहूं उत्पादन अच्छा हुआ और कीमत भी अच्छी मिली, जिससे शुरुआत में किसानों को थोड़ी राहत मिली। शुरुआती दिनों से ही मंडी नीलामी में गेहूं के भाव सरकारी खरीद के भाव 2050 से काफी ऊंचे रहे। इसका मुख्य कारण गेहूं का एक्सपोर्ट होना था। प्रदेश से लाखों टन गेहूं विदेशों को निर्यात किया गया। इस दौरान मिल क्वालिटी का गेहूं भी करीब 2300 के भाव बिकने लगा था। हालांकि सीजन के दौरान ही 13 मई से गेहूं के निर्यात पर केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। इससे सैकड़ों टन गेहूं कांडला पोर्ट पर धरा का धरा रह गया, जिससे प्रदेश के कारोबारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। बाजार में मंदी हो गई, लेकिन गेहूं उत्पादों का निर्यात जारी रहने से गेहूं के भाव में एक बार फिर से तेजी का माहौल बनता दिखाई दिया। इसे रोकने के लिए केंद्र ने जून 2022 से आटे के निर्यात पर भी रोक लगा दी, जिससे एक बार फिर से कीमतें नीचे आ गई। अब जबकि त्योहारी सीजन में रवा और मैदे की मांग बनी और विदेशों में निर्यात होने से गेहूं के भाव में 200 रुपए की तेजी आ गई थी, तब सरकार ने रवा और मैदे के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया। केंद्र सरकार ने 14 अगस्त से रवा और मैदे के निर्यात पर प्रतिबंध को लागू कर दिया है, जिससे गेहूं के भाव में एक बार फिर से मंदी आती दिखाई दे रही है। आटा उद्योगपतियों का कहना है कि गेहूं के दामों में गिरावट का ये दौर अभी जारी रहेगा। हालांकि इससे आटा प्लांट नुकसानी में आ चुके हैं। वैसे प्रतिबंधों से गेहूं में स्थायी मंदी नहीं मान रहे, क्योंकि सीजन के दौरान अभी भाव काफी अच्छे देखने को मिले थे। ऐसे में माना जा रहा है कि सीजन के दौरान कारोबारियों ने लाखों क्विंटल गेहूं का स्टॉक कर लिया था, जो कि अब उनको महंगा पड़ रहा है। इस वजह से व्यापारी मानकर चल रहे हैं कि ये मंदी टेम्परेरी है, क्योंकि सीजन में समर्थन मूल्य खरीदी में सरकार को लक्ष्य से बहुत कम गेहूं मिल पाया है। कारोबारियों के गोदाम भले ही गेहूं के से भरे पड़े हों, लेकिन सरकारी गोदाम खाली पड़े हैं। ऐसे में बाजार में मांग बनने पर उम्मीद की जा रही है कि एक बार फिर से गेहूं के भाव में दोबारा उछाल आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।